जो आया है वो बेसिकली पश्चिमी नेपाल मतलब वेस्टर्न नेपाल रीजन में है, जो कि हमारे उत्तराखंड के रीजन से सटा हुआ है जोन है। और ये जो अर्थक्वेक जहाँ आया है वो हमारे जो दो प्लेट्स हैं, जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, उसकी कोलिजन बाउंड्री पर आया है। और अगर पास्ट में भी अर्थक्वेक देखें तो यहाँ पर नवंबर में भी अर्थक्वेक आ चुके हैं, अभी जनवरी रिसेंट में जनवरी में भी आए हैं, दैट इज 6.3 मैगनीट्यूड का अर्थक्वेक था, ठीक है, जो कि दिल्ली में भी फेल्ट हुआ। अभी का जो अर्थक्वेक आया है वो अगर यहाँ पर आप मैप देखेंगे तो ये जो है 6.2 का है, जो कि बहुत सैलो डेप्थ पर था, मतलब 5 किलोमीटर डेप्थ पर आया अर्थक्वेक ही आया है, जो कि 2:51, 14:51 पर आया। और अभी तक इस अर्थक्वेक के आने के बाद, क्योंकि जैसे बड़े अर्थक्वेक आते हैं उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स भी होते हैं, तो ये अर्थक्वेक जो जो अभी आए हैं उसके अभी तक हम लोग दो आफ्टर शॉक भी रिकॉर्ड कर चुके हैं इस रीजन में। जैसे आप देख रहे हैं रेड वाला जोन देख रहे हैं, ये दो आफ्टर शॉक उसी रीजन में 10 किलोमीटर के अराउंड में आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये कोलिजन बाउंड्री, यहाँ पर अगर पास्ट में भी देखें तो बड़े अर्थक्वेक आ चुके हैं, जैसे नवंबर में आए हैं 5.8 के, 6.2 के जनवरी में आए, और अभी जो है ये 6.2 का, फिर ये अर्थक्वेक आया। ये सब जितने भी अर्थक्वेक हैं ये सब वेस्टर्न नेपाल में कंसंट्रेटेड है। और ये कोलिजन बाउंड्री जहाँ स्ट्रेस बिल्डअप होता है, और एनर्जी जब जब स्ट्रेस बिल्डअप होता है तो अगर उसकी जो जो रॉक की कैपेसिटी होती है उसकी बियॉन्ड जाती है तो वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने पर अर्थक्वेक आते हैं। तो जैसे हिमालयन कोलिजन बाउंड्री है, अर्थक्वेक आते रहते हैं। अगर 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 ये अर्थक्वेक देखा जाए तो कहाँ कहाँ फेल्ट हुआ, अगर इसकी इंटेंसिटी की बात की जाए कि इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, तो अगर ये इसका अगर यहाँ पर देखें तो इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो 6 था, जो कि हम लोग ने इमिडिएटली अर्थक्वेक जैसे डिसमिनेट किया उसका 6। और दिल्ली में अगर आप देखें तो ये स्लाइटली फेल्ट था, मतलब 3 की मैग्नीट्यूड थी, दिल्ली रीजन को जो कवर करता है। और उसी दौरान अगर देखा जाए तो पब्लिक से बहुत रिस्पांस आया। देखिए अब तक हमारे पास 1 घंटे बीत चुके हैं अर्थक्वेक के, 70 रिस्पांस आ चुके हैं। अगर इस रिस्पांस को देखा जाए इस मैप में तो कहाँ कहाँ से रिस्पांस आए, तो अगर आप ये देखेंगे तो ये नेपाल में ये हमारा ईपी सेंटर था जो 6.2 का अर्थक्वेक है। तो अगर देखिए तो उत्तराखंड से आपके पंजाब में भी फेल्ट हुआ है, दिल्ली में काफ़ी फेल्ट हुआ है, लखनऊ रीजन में, जयपुर रीजन में, कुछ लोग यहाँ बता रहे हैं कि ये अहमदाबाद रीजन में भी फेल्ट बता रहे हैं उनको फील हुआ है। मतलब ये शॉक इतनी बड़ी थी कि ये, क्योंकि जब ये बहुत सैलो थी तो एनर्जी जब पास की है तो लोगों को फेल्ट हुआ है, ठीक है। तो ये अर्थक्वेक कॉमन है, यहाँ पर हमेशा आते रहते हैं, जिससे हम लोग अभी बता चुके हैं इसका पूर्वान तो कर नहीं सकते क्योंकि कोलिजन बाउंड्री है। तो हमें NDMA ने गाइडलाइन जो इशू किया है कि कैसे प्रिकॉशन करें, उसको प्रिकॉशन को हमें बरतना चाहिए। अब देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंटेंसिटी मैप अगर इसका देखिए नियर बाई, अगर यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं बैक टू अर्थक्वेक में, तो नुकसान की अगर बात करें तो 6 मैग्नीट्यूड है। अगर अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग है तो नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं, केवल सेक होगा, लेकिन अगर पुअर क्वालिटी की बिल्डिंग है तो नुकसान की संभावना है। अभी इसका जैसे रिपोर्ट अगर हम ये बता रहे हैं यहाँ पर, अगर हम देखें कि अगर ये देखा जाए तो 6.2 का अगर इंटेंसिटी मैप देखें हम आपको बताएं, तो ये यहाँ अगर ये अगर इसका लीजेंड देखें तो ये बताता है कि 6 का मतलब स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग में जनरली क्या होता है कि बिल्डिंग में क्रैक्स आते हैं, बिल्डिंग फॉल नहीं होती, 6 का मतलब ये है। अगर काफ़ी अगर डिजास्टर होगा, ड्वेल होगा, तो बिल्डिंग कोलेप्स होती है, तो 6 का मतलब बिल्डिंग में क्रैक्स, दरारें आ सकती हैं। और फेल्ट काफ़ी देर तक अगर पास में है, इसके पास है, तो काफ़ी देर तक फील होगा। जैसे दिल्ली में अभी हमारे मंत्रालय में लोग जैसे पैनिक किए तो मतलब 10 सेकेंड 15 सेकेंड का फेल्ट हुआ है। तो यहाँ पर कोई जान माल का नुकसान की संभावना बहुत ही कम है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर है।